हेलो बच्चों तो टुडे वी विल स्टडी अबाउट ऑर्थो पैरा एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स सो वी विल स्टडी अबाउट टू टाइप्स ऑफ ग्रुप इज एक्टिवेटिंग ग्रुप एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप व्हाट आर टू एक्टिवेटिंग ग्रुप एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट एक्टिवेटिंग ग्रुप ओके व्हाट आर एक्टिवेटिंग ग्रुप सपोज दिस इज बेंजीन रिंग ठीक है हमने एक बेंजीन रिंग ले ली और यहां पर हमने कोई ग्रुप अटैक अटैच कर दिया ठीक है कोई भी ग्रुप अटैच कर दिया ग्रुप अटैच कर दिया और एक इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है इलेक्ट्रोफाइल कौन होते हैं दे आर द इलेक्ट्रॉन लवर्स यानी कि इनको इलेक्ट्रॉन की कमी होती है दे आर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट यस एंड दे वांट इलेक्ट्रॉन तो वो कहाँ अटैक करते हैं जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है तो अगर ये ग्रुप जी जो है अगर ये ग्रुप जी इफ दिस ग्रुप जी इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेन्न रिंग ठीक है तो ये ग्रुप द, जी जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रही है बेनजीन रिंग में ठीक तो ये कौन इसके पास होना चाहिए प्लस एम इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट एंड प्लस एच यानी कि दिस इज हाइपर कॉन्जुकेशन दिस इज हाइपर कॉन्जुकेशन सो इफ इट कंटेन्स प्लस मीजोमेरिक इफेक्ट प्लस इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन देन दिस ग्रुप इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग एंड दिस इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ओवर टू दिस बेंजीन रिंग ओके व्हाट इज द प्रायोरिटी ऑर्डर प्रायोरिटी ऑर्डर होता है प्लस एम देन हाइपर कॉन्जुकेशन देन प्लस आई नाउ लेट्स अंडरस्टैंड बाय टेकिंग एन एग्जांपल. अ बेंजीन रिंग दिस इज एन एनएच टू ग्रुप कौन सी ग्रुप है एनएस एन इसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा जब तो क्या बनाएगा कहा अटैक करेगा ये कहा अटैच हो जाएगा

his lone pair so it has acquired a positive charge और ये बॉन्ड यहाँ आ गया तो इसके पास आ गया नेगेटिव चार्ज ये वापस से यहाँ देगा और ये यहाँ आ जाएगा बन जा रे रेजोनेंस बन जा पॉजिटिव चार्ज ये इधर आ गया बॉन्ड इधर नेगेटिव चार्ज आ गया अब ये इधर कूद मंगाएगा ये इधर कूदा दिस इज डबल बॉन्ड एनएच टू विद पॉजिटिव यहाँ पे है ये बॉन्ड इधर आ जाएगा तो ये यहाँ आ गया एंड ये इधर आ गया लोन पैर में बस ये इधर जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा ठीक है तो ये देखो यहाँ ऐसे दिस 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 सिंगल बॉन्ड एन एच टू लोन पैर दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिस ऑल आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नाउ यू सी वेयर इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज इन द ग्रुप

पैरा पोजिशन पे जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है सो दिस इज एन एक्टिवेटिंग ग्रुप, फाइन। अब मैं आपको एक प्रायोरिटी ऑर्डर लिखवा देती हूं कि ये जो जी ग्रुप है ये क्या क्या हो सकता है ठीक है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी लिखवाते हैं इट कैन बी सी एच टू माइनस और एन एच टू सॉरी एन एच माइनस और कैन बी ओ माइनस नेक्स्ट एन एच टू जो भी हमने देखा अगला एन एच आर आर इज वॉट एन एलकाइल ग्रुप यस नेक्स्ट एन आर टू नेक्स्ट इज ओ एच उसके बाद हो सकता है ये ओ आर नेक्स्ट इट कैन बी एन एच सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री ओके or it can be o c double bond o c h 3 or it can be ch 3 or it can be any alkyl group so this is the priority order of the group okay the decreasing order you can say ch 2 and h 2 decreasing order k activating groups okay now next let's talk about the deactivating groups डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स कौन से होते हैं इनका क्या काम होता है आइए देखते हैं डिएक्टिवेटिंग ग्रुप्स अब जैसे कि वापस से आ गई हमारे पास एक बेंजीन की रिंग इस पे ये ग्रुप अटैक है अटैच है ठीक है और एक इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे वेट कर रहा है ठीक है और अगर ये ग्रुप यहां से इलेक्ट्रॉन्स ले लेती है अगर ग्रुप डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग ज अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप ओके कंडीशन क्या है डी एक्टिविटिंग ग्रुप कीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द बेजीन विंग और एक्टिवेटिंग ग्रुप की क्या था दै इट इज इक्रीजिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द बेजीन विंग सो क्या क्या एफेक्ट होगा इट हेज प्रोबेबली माइनस एम इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट एंड माइनस एच दैट इज हाइप कॉन्जोगेशन ऑल्सो दिस द प्रायोरटी ऑर्डर ठीक है इसकी भी एक प्रायरिटी ऑर्डर होती है कि यह जी क्या क्या हो सकता है वो आपको मैं बताती हूं दिस जी कैन बी सी एच टू प्लस ओके आइदर इट कैन बी सी एच टू प्लस वहां पर क्या था रिमेंबर सी एच टू माइनस था ओके सीएच टू प्लस देन एन डबल बॉन्ड ओ ओ एनओ टू ओके देन इट कैन बी सी ट्रिपल बॉन्ड एन सी एन का ग्रुप नाइट्राइल ओके देन सी डबल बॉन्ड ओ एच एल डी हाइड एच सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री और एनी एल्काइल ग्रुप और इट कैन बी सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ओके इज इट विजिबल सो दिस इज अगेन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायरिटी ऑफ द डिटिवेटिंग ग्रुप नॉन लेट्स अंडरस्टैंड दिस ग्रुपेन इन एग्जाम्पल सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दिस बेनजीन रिंग आ गई हमारे पास इस पे लगा है कौन सा ग्रुप एनओ टू का ग्रुप ठीक है एनओ टू ग्रुप अब प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल क्या बनाएगा ये इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैच होगा मेटापोजिशन दिस इज ऑर्थो दिसका भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये डबल बॉन्ड जो है ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपने ऊपर लेके चला जाएगा और ये बॉन्ड इधर आ जाएगा This will be bond, this is bond o पे क्या आ गया माइनस आ गया माइनस दिस इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज ये ग्रुप वापस से यहाँ दौड़ा तो क्या बना सॉरी सिंगल बॉन्डिया ये हाँ, ओ उसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था ये यह यहां पे आ गया पॉजिटिव चार्ज तो क्या होगा अब अब क्या होगा अब ये बॉन्ड वापस इधर आ जाएगा सिंगल बॉन्ड एंड अब जब ये बॉन्ड वापस से इधर आया तो नेगेटिव चार्ज भी इस पे वापस से आ जाएगा ये बॉन्ड इधर आया नेगेटिव चार्ज भी आ गया एंड डबल बॉन्ड ओ दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अब हम देखें ठीक है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कहां हो रही है ऑर्थो पोजिशन पे पॉजिटिव चार्ज है यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई कम हो गई पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई और अगेन ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो इन सब पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई इसीलिए इस इलेक्ट्रोफाइल की मजबूरी थी मजबूरी थी क्या मेटा पोजिशन पे जाने की इस इलेक्ट्रोफॉइल की मजबूरी थी कि उसे मेटा पोजिशन पे जाना पड़ा क्योंकि ऑर्थो पे यू कैन सी फ्रॉम द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे क्या हुआ क्या हुआ ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कम हो गई है इसलिए उसे कहां जाना पड़ा मजबूरी में मेटापोजिशन पे ठीक तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा उससे हमें ये पता चला कि एक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर ऑर्थो एंड एंड डी एक्टिवेटिंग आर मेटा डायरेक्टिंग अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जैसे पहला मैं लेती हूं टू तो इन द प्रेजेंस ऑफ सी एल टू या एफ ई सी एल थ्री सेकेंड इज सी एच ओ द प्रेजेंस ऑफ एच एन ओ थ्री एंड कंसेंट्रेटेड एच टू एस ओ फोर दिस इज कंसनट्रेटेड एच एन ओ थ्री थर्ड थर्ड लेट्स टेक ओ सी एच थ्री द प्रेजेंस ऑफ सी एल टू या एफ ई सी एल थ्री अब बताओ NO2 ग्रुप है अंदर प्रोसेस ऑफ Cl2 एंड FeCl3 ये तो Cl पॉजिटिव देगा तो ये Cl पॉजिटिव कहाँ जाके अटैच होगा दिस विल गेट अटैच एट द मेटा पोजिशन। ओके दिस इज अ NO2 ग्रुप व्हिच इज अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप सो इट विल गेट अटैच एट द मेटा पोजीशन CHO हमें इनमें पढ़ा CHO इज आल्सो अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप डीएक्टिवेटिंग ग्रुप पे पे भी जाके हो जाएगा NO2? पे। इससे क्या मिलेगा तुम्हें इससे मिलेगा दिस ओ सी एच थ्री वॉट इज दिस वॉट इज ओ सी एच थ्री दिस इज अक्टिवेटिंग ग्रुप ओके इससे आपको मिलेगा वापस सी एल प्लस दिस ओ सी एच थ्री इज एयर सो अगर ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो या तो ये क्लोरीन और तो पोजिशन पर अटैच होगा या फिर कहाँ कहा जाएगा पैरा पोजिशन पे अटैच हो जाएगा ओके okay? एक और करके दिखाओ मुझे वन क्वेश्चन मोर एनहाइड्रस एफिस ए एल ए थ्री ले लेते हैं ए एल सी थ्री एंड अब बताओ क्या बनेगा हमने पढ़ा हाइड ये हेलोजन है ना हेलोजन आर व्हाट? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में आते हैं हेलोजन आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप तो हेलोजन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं ठीक है तो हेलोजन आर इफ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप तो दिस इज सी यहां से मिलेगा क्या सी पॉजिटिव मिलेगा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है यानी कि ये मेटा पोजिशन पे अटैक करने चाहिए यस बट वॉट इफ आई से दैट दिस स्ट्रक्चर इज रॉन्ग दिस इज रॉन्ग वॉट विल बी द करेक्ट स्ट्रक्चर करेक्ट स्ट्रक्चर ये होगा कि ये जी एच थ्री जाके ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे जाके लगेगा सो हियर अगेन केमिस्ट्री स्टैंड फॉर ऑल एक्सेप्शन तो एक एक्सेप्शन यह आता है कि हेलोजेंस जो होते हैं हेलोजेंस आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हेलोजेंस आर डी एक्टिवेटिंग ग्रुप बट एंड पैरा डायरेक्टिंग ओके ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं बट दे आर ऑर्थो एंड एन डायरेक्टिंग, ओके एक और एक्सेप्शन होता है हेलोजेंस के साथ ये एन डबल बॉन्ड ओ लोन पेयर इसमें माइनस आई इफेक्ट होता है प्लस एम इफेक्ट होता है ओके okay, यहां पे माइनस आई और प्लस एम इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है ah, uh, लेकिन ये एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है दिस इज अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप ओके बट इट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग सो दीज टू एग्जाम्पल्स आर द एक्सेप्शन विच नीड टू रिमेंबर दैट हालोजेंस आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बट गेट दे आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग एंड दिस स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड ओ इज ऑल्सो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बट इट्स एन ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग सो लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन दिस इज द क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाके अटैक करेगा एंड दीज आर दिक्स स्ट्रक्चर इट विल बी मोर एंड लेस मतलब इसका जो ऑर्डर बताना है अब पहला स्ट्रक्चर पे आते हैं एनओ टू वॉट इट इज अ डी एक्टिवेटिंग ग्रुप और एक्टिवेटिंग ग्रुप वी स्टडीट इट अ डी एक्टिवेटिंग ग्रुप जिसपे क्या माइनस एम इफेक्ट नोमिनेट कर रहा है सी एच ओ सी एच ओ इज ऑल्सो डी एक्टिवेटिंग ग्रुप विद माइनस एम इफेक्ट फ्लोरिन फ्लोरिन इज ऑल्सो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप डीएक्टिवेटिंग ग्रुप एंड माइनस आई एफेक्ट प्रोडोम ठीक है हमने पढ़ा था कि यह एक एक्सेप्शन होता है कि माइनस एम और माइनस आई में से यहां पर माइनस आई इफेक्ट डॉमिनेट करता है ओके एंड देन ऑल्सो इट्स ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग सीएल सीएल इज ऑल्सो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप माइनस आई इफेक्ट के साथ बट इट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग एंड वॉट अबाउट ओ एच ओ एच इज एन एक्टिवेटिंग ग्रुप एच इज एन एक्टिवेटिंग ग्रुप और पैरा डायरेक्टिंग यस। सो क्या होगा ऑर्डर दिस इज डी एक्टिवेटिंग ग्रुप एंड माइनस एम इफेक्ट सी एच ओ इज ऑल्सो डी एक्टिवेटिंग ग्रुप माइनस एम इफेक्ट इट इज ऑल्सो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जिसमें माइनस आई इफेक्ट और प्लस एम इफेक्ट होता है माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट करता है यहां पर भी प्लस एम इफेक्ट होता है बट माइनस आई डॉमिनेट करता हैलोजन अगेन सो एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप सबसे पहले क्या होगा ऑर्डर so सबसे कम कहां पर जाएगा ठीक है डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लिखते हैं सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर वी आर टू इट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर नॉट डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर तो सबसे पहले देखो यहाँ पे डी एक्टिवेटिंग ग्रुप एंड दिस टू आर डी ग्रुप्स यस ओके सो ये कहाँ जाएगा बताओ हमने प्रायोरिटी ऑर्डर पढ़ा था इसमें इसकी प्रायोरिटी और इसकी प्रायरिटी किसकी प्रायरिटी ज्यादा थी इसकी प्रायोरिटी ज्यादा थी तो सबसे कम वो ए पे जाएगा उसके बाद वो बी पे जाएगा

सबसे कम मतलब है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन यहां पे जाएगा सबसे ज्यादा इस पे जाएगा वी नो दिस बात इन दोनों की आती है तो इसमें भी ऑर्डर होता है फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन आयोडीन ठीक है तो इसीलिए ये पहले क्लोरीन पे गया फिर बाद में फ्लोरीन पे गया देन एट लास्ट ओच ओके सो दिस वॉज ऑल द डिस्कशन अबाउट ऑर्थोपैरा मेट्रा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट थैंक यू फॉर वॉचिंग